वेलकम इन टू स्टैंडर्ड सेकेंड। टेक इट आउट दिस मैथ्स वर्कबुक। मैथ्स की वर्कबुक निकालो, उसमें चैप्टर नंबर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप्स जो हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया वही सेम टू सेम ये चैप्टर हमको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। तो इसमें पेज नंबर 65 निकालो। 65 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ती हूँ, आप सुनो। यूज द फिगर ड्रॉ बिलो टू मेजर लेंथ ऑफ द फिगर गिवन बिलो। आपके अपने फिंगर से आपको मेजरमेंट करना है। तो पहले आपको क्या दिया है, फिंगर्स का पिक्चर दिया है, उंगलियां दी है। तो कितनी उंगलियां है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी फिंगर्स है, 7 फिंगर्स लॉन्ग। तो आपको ब्लैंक्स में ऐसे 7 लिखना है। फिर क्या दिया हुआ है, पेंसिल दी हुई है। तो पेंसिल आपको मेजरमेंट करना है, आप स्केल से कर सकते हो, स्केल से आप मेजरमेंट करो और उंगलियां से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको पेंसिल दी हुई है ऐसी, तो आपको पेंसिल अपनी उंगलियां से मेजरमेंट करना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लोग ब्लैंक्स में 6 लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है वो अपनी फिंगर से आपको मेजरमेंट उसके करके मेजरमेंट इस ब्लैंक्स में आपको लिखना है। फिर नीचे क्या दिया है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डैश इज द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। जो पहली एक्सरसाइज में सभी पिक्चर्स दिए हुए हैं पेंसिल के, ब्रश के, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा पिक्चर है, पेंट ब्रश, जिससे हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो सबसे बड़ा है। कितना मेजरमेंट लिखा है, 7 फिंगर्स लॉन्ग। तो आपको ब्लैंक्स में क्या लिखना है, पेंट ब्रश ऐसे। आप इसको पीडीएफ में से देखकर भी कंप्लीट कर सकते हो। डैश इज द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो नटराज पेंसिल। पेंसिल जो है वो, सॉरी, नटराज इरेजर, इरेजर है वो सबसे छोटा है। कितना फिंगर्स लॉन्ग है, 3 फिंगर्स लॉन्ग। तो इरेजर इज अ डैश फिंगर शॉर्टर देन अ पेंट ब्रश। पेंट ब्रश से इरेजर कितना छोटा है, तो पेंट ब्रश का फिंगर्स कितना है, 7, और इरेजर का कितना है, 3। तो 7 - 3 = 4। तो आपको ब्लैंक्स में लिखना है, FOUR 4। पेंट ब्रश इज डैश फिंगर लॉन्गर देन कब। पेंट ब्रश कितना कोम से बड़ा है, तो पेंट ब्रश फिर से लिखो, पेंट ब्रश कितने का है, 7, और जो कोम है उस कितने का है, कंघी दी हुई ना, तो 7 - 5 = 2। तो पेंसिल इज अ डैश फिंगर शॉर्टर देन अ पेंट ब्रश। पेंसिल कितनी छोटी है पेंट ब्रश से, तो पेंट ब्रश का फिंगर्स कितने लॉन्ग है, 7, तो फिर से 7, और पेंसिल कितने की है, 6 फिंगर्स लॉन्ग। तो 7 - 6 = 1। तो आपको ब्लैंक्स में लिखना है, O any 1। ठीक है, जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपने फिंगर से, फिंगर का इस्तेमाल करके आपको मेजरमेंट करना है वो कितनी फिंगर्स लॉन्ग है। फिर नीचे की जो ब्लैंक्स है वो आपको पीडीएफ में से देखकर लिखना है। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 66। 66 पेज नंबर पे क्या है, बॉडी पार्ट्स के सभी नाम दिए हैं, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आपका लिखना है। हु इज अ लॉन्ग एंड हु इज अ शॉर्टर, यू हैव टू राइट इन दिस ब्लैंक्स। माई नोज इज डैश देन माई फिंगर। हमारा जो नोज होता है वो फिंगर से छोटा होता है या बड़ा होता है, छोटा, शॉर्टर। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लैंक्स में, शॉर्टर। फिर माई आर्म इज डैश देन माई फेस। ये जो आर्म होता है वो फेस से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो लॉन्गर होता है, बड़ा होता है, फेस से ये जो पार्ट है वो बड़ा होता है, तो लिखो लॉन्गर। माई लेग्स इज डैश देन माई आर्म्स। पैर जो होते हैं वो आर्म से बड़े होते हैं, ये आर्म से पैर बड़े होते हैं या नहीं, यस, लॉन्गर होते हैं। तो फिर से यहाँ पर क्या लिखोगे, लॉन्गर। माई नेक इज डैश देन माई फुट। फुट मतलब ये नीचे, जो पैर के नीचे होता है उसको फुट बोलते हैं। वो नेक हमारा जो है ये, वो बड़ा होता है या छोटा होता है फुट से, तो फुट इतने होते हैं, नेक बड़ा होता है, तो क्या आएगा, लॉन्गर। माई टोज आर डैश देन माई फिंगर्स। टोज, जो पैर की उंगलियां होती है ना उसको टोज बोलते हैं, तो वो फिंगर्स, हमारी जो फिंगर्स है उससे भी छोटे छोटे होते हैं, तो क्या लिखोगे, शॉर्टर। ओके, तो ये लॉन्गर और शॉर्टर की ब्लैंक्स लिखनी है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, टेक द करेक्ट आंसर।
आपको तीन ऑप्शन दी है उसमें जो सही है उस पर टिक करो। फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन मेजर द कैपेसिटी ऑफ बॉटल ऑफ जूस विथ अ ग्लास। हमको कोई भी जूस या पानी का मेजरमेंट करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं, मीटर लीटर और मिलीलीटर में करते हैं, पर वो ना हो तो ग्लास से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि इतना ग्लास ज़्यादा है और कम है। क्वेश्चन नंबर टू, तुलसी एंड हर मदर आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ बेड इन अ हैंड स्पा, हुज मेजरमेंट इज लाइकली टू बी लेस। तुलसी और अपनी मम्मी दोनों हैंड स्पा से, ये जो हैंड स्पा है उसकी मदद से अपना जो बेड है वो मेजर कर रही है, तो उसमें सबसे कम मेजरमेंट किसका होगा, तुलसी मदर, ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन वी वेट एन ऑब्जेक्ट विथ अ बैलेंस द पेन विथ द हेवियर ऑब्जेक्ट गोज डाउन। जो वेट का मशीन आता है ना सब्जी मंडी में ज़्यादा तक देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ऐसा होता है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जिस तरफ वजन ज़्यादा हो उस तरफ क्या होता है, ऊपर हो जाता है ये वेट मशीन, या नीचे हो जाता है, तो वजन जिसमें ज़्यादा होता है उस तरफ का झुक जाता है, तो डी ओ डब्ल्यू एन डाउन ऑप्शन बी में टिक करो। हैंड स्पा एंड मैथ स्टिक आर यूज टू मेजर अ लेंथ। हैंड स्पा और मैच स्टिक से हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, वेट और कैपेसिटी मेजरमेंट नहीं हो सकती है। विच ऑफ दिस यूनिट वुड यू यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड द मार्केट क्लोजेस्ट टू योर हाउस। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है अपने घर और मार्केट के बीच में, तो क्या यूज करेंगे, फिंगर्स, हैंड स्पा या पेसिस, तो ऑप्शन ए पेसिस में टिक करो। फ्रॉम वन बॉटल ऑफ मिल्क यू कैन गेट थ्री ग्लासेस ऑफ मिल्क, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क यू गेट फ्रॉम टू बॉटल्स ऑफ। एक बॉटल में से, दूध की एक बॉटल है उसमें से तीन ग्लास हम भर सकते हैं, तो दो बॉटल में से कितने ले सकते हैं, तो कैसे करना है, एक बॉटल में से थ्री, तो टू बॉटल में से हम कितना ले सकते हैं, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टू थ्री जा सिक्स, तो सिक्स ग्लास हम भर सकते हैं, तो ऑप्शन ए में टिक करो। फिर पेज नंबर 67 टर्न करो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ फॉलोइंग फिंगर्स फूड्स एंड हैंड स्पा। आपके अपनी फिंगर से, अपने हैंड स्पा से और फूड से आपको मेजरमेंट करना है, जो जो चीज़ यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में पूछा गया है वो अपने तरीके से आपको कंप्लीट करना है, पेज नंबर 65 एंड 67। ओके, ये पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा, अपने आप कर लेना। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 में क्या है, जो जो चीज़ आपको नीचे बोला है वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि ड्रॉ ट्री टू फिंगर्स अवे फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द हट। ये जो बीच में हट दिया है उसमें आपको टू फिंगर्स, मतलब ऐसे वन और टू का जगह छोड़ के आपको ट्री बनाना है, मतलब जो पूरा पिक्चर है वो मेजरमेंट के साथ आपको कंप्लीट करना है। ड्रो पॉन फोर फिंगर्स अवे, फिर ये जो घंट दिया है उससे फोर फिंगर्स आपको पॉन दूर ड्रो करना है, तो वैसे यहाँ पर जो जो चीज़ पूछी गई है वो आपको फिंगर से मेजरमेंट करके उतना दूर बनाना है, तो वैसे चैप्टर नंबर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप आपको इस वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।